लगातार समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के लोगों ने पिछली बैठक में भी कहा था कि 295 से ऊपर इंडिया गठबंधन आएगा देश में और 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में आएगा। हालांकि मैं तो काउंटिंग में था, वहां कोई मीडिया टेलीविजन सोशल मीडिया की व्यवस्था नहीं है और काउंटिंग से बाहर केवल इसीलिए आया हूं कि देश का माहौल देखूं। आते ही जो सूचनाएं मिली, मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी और सभी जो विपक्ष के लीडर हैं उनकी बात को सच निकली और बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग हम लोग उम्मीद से भी बेहतर जीत रहे हैं। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, आजमगढ़ में भी अभी टेबलेशन पता नहीं हो पाएगी नहीं, लगभग दो राउंड में 14,000 का अंतर हो चुका है। एग्जिट पोल दिखाया था तो साबित हो गया, अभी उनसे पूछे जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया था, आजमगढ़ का नहीं देश का, आजमगढ़ के बारे में एग्जिट पोल का कोई रोल नहीं है। यहाँ की आजमगढ़ के जनमानस की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी समाजवादियों के प्रति जो भाव है उसका परिणाम है ये। अभी तो दो राउंड की काउंटिंग हुई है, टेबलेशन भी नहीं हो पाई है। आजमगढ़ की बात करें साथ साथ बनारस की बात करें तो 6,000 वोट से पीछे चले थे। अब मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की हैं। जो संविधान बचाने की लड़ाई आरणी अखिलेश जी लड़ रहे थे, आरणी राहुल जी लड़ रहे थे, जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे, जो और तरह की जो तमाम समस्याएं नौजवानों की बेरोजगारी की है, किसानों की आमदनी की है, महिलाओं की पेंशन की है, सरकारी कर्मचारियों की उनके पुरानी पेंशन की है या संविदा कर्मियों के उनके स्थायीकरण की है, जातिगत जनगणना की है, इन सारी चीजों को लगातार समर्थन मिल रहा है। चंद घंटों में क्या संभावना लग रही है? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल भी मैंने शाम 4 बजे आप सबको बुला के यही दावा किया था, तब हालांकि आप सब लोग इस बात को मानने को शायद तैयार बहुत कम लोग थे या नहीं मान पा रहे थे। अरे अभी आने दीजिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, यहाँ 28-30 राउंड होने आपके आजमगढ़ यूपी से, अभी तो 2 ही राउंड के हमको रुझान मिले हैं। अब वो रुक जाइए, परिणाम आने दीजिए। आजमगढ़ के लोगों की हर भावनाओं का, हर उम्मीद को पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा, यही मैंने चुनाव अभियान में कहा, यही मैं मतगणना के बीच में कह रहा हूं और इसी बात को परिणाम आने के बाद करूंगा। सर अखिलेश जी का कई जगह ट्वीट आया है, कई जगह पे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं और यहाँ भी दिक्कतें आई। कुछ मीडिया के साथ ही गए थे, हमारी बहुत सारी दिक्कतें आई और आज भी आ रही हैं। आप सोचिए 450 वोट भी पड़ चुके हैं जिस बूथ पर, ईवीएम शो कर रही है कितने वोट पड़े हैं और बावजूद उसके बैटरी 99% शो कर रही है, 99% बैटरी शो कर रही है और एक बूथ की नहीं है, कई बूथों का ये हाल है। हमारे एजेंट लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, लेकिन चूंकि 17C से मैच कर रहा है इसलिए हम उसको अभी मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन आप सोचिए कि पूरे दिन ईवीएम चले उसके बाद भी 99% बैटरी दिखा रहे हैं। तो यूपी में जिस हिसाब से आपने सर्वे किया था कितनी सीटें पार है? बिल्कुल, हमने कहा 60 से पार जाएंगे, दैट्स पार। और अभी देखिएगा 3-4 बजे तक पूरा जो आज रुझान देख रहे हैं परिणाम में बदल जाएंगे और मैं तो उसी रुझान और परिणाम को देखने के लिए बाहर आया हूं, चूंकि अंदर व्यवस्था नहीं है। लगभग 2 राउंड की टेबुलेशन हो चुकी है और उसमें मेरा अनुमान है मैं 14,000 के आसपास से अभी आ गया।